खबर अंबेडकर नगर से है, जहां अतिरिक्त महानिदेशक ब्रजभूषण की अध्यक्षता में जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन तथा पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा की उपस्थिति में तहसील टाणा में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु विभिन्न समुदाय के धर्म गुरुओं के साथ बैठक आयोजित किया गया। बैठक के दौरान अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा सभी धर्म गुरुओं को अवगत कराया गया कि पिछले शुक्रवार को जुम्मा के दिन हुए टाणा में शांति भंग के मामले में किसी भी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे उनका उत्पीड़न हो तथा जो भी व्यक्ति दोषी है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बैठक के दौरान महोदय द्वारा संयम बनाए रखने का अपील किया गया। प्रशासन और पुलिस को अपना कार्य करने दें और यह भरोसा रखें कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ कुछ गलत नहीं किया जाएगा। बैठक के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक उप जिलाधिकारी टांडा दीपक वर्मा, क्षेत्राधिकारी टांडा कोतवाल पुलिस बल तथा विभिन्न समुदाय के धर्मगुरु तथा गणमान्य नागरिक मौके पर उपस्थित थे। और आगे भी नॉर्मल रहेगा, इसलिए हम लोग जितने भी प्रकार लोग हैं, उन सबका सहयोग ले रहे हैं। माता माहौल खराब करने वाले लगा हुआ दोनों ही हमारे हैं, अच्छे लोग हैं, उपलब्ध करना राज्य में जितने भी कार्य करना ये हमारा नॉल ओंडा 100% मेंटेन है रहेगा। अभी कोई बात बताइए, जितने भी अच्छे लोग हैं, मौजूद लोग हैं हमारे पारे अधिकारी हमारे पारे अधिकारी लगातार संपर्क सब देवता साथ ही साथ जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं उनके एलिमेंट्स एक एक को चिन्हित कर लिया गया, एक एक उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई की नीचे वो कार्रवाई भी की जा रही है। प्रॉपर हमारे फोर्स का डिप्लॉयमेंट जल्दी जल्दी है गए हम सब रहेगा हमारे सारे सेक्टर को कुल मिलाकर के अभी कहीं कोई बात नहीं है, हर जगह नॉर्मल है, आगे को नॉर्मल रहेगा और किसी भी व्यक्ति को कानून का वापस देगा। Thank you.